अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल, जो छिलके वाली होती है, उसके साथ खिचड़ी बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और मूंग के छिलके की दाल की खिचड़ी तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 कप ये वाले बासमती चावल लिए हैं, जो मैंने धो लिए हैं और उसे आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। यहाँ पे मैंने मूंग की दाल लिए छिलके के साथ, और ये वाला कप लिया है छोटा, 1 कप लिया है, और मैंने इसे नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया है। आधा कप ऑयल लिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच जीरा शामिल करेंगे और हम प्याजों को गोल्डन कर लेंगे। प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं, तो इसके अंदर मैंने 2 से 3 लहसुन की कलियां ली हैं, उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो शामिल करेंगे। लहसुन को मैं 1 से 2 सेकंड के लिए इसमें अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी, और फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, ताकि प्याज अच्छी तरीके से गल जाए। अब इसमें नमक ऐड करेंगे। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड किया है, 1 खाने का चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं जो हमने दाल नीम गर्म पानी में रखी थी, पानी में भिगो के, वो इसमें हम डालेंगे, और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब हम दाल में पानी शामिल करेंगे 4 कप, और कप हम वही लेंगे जिससे हमने चावल लिए थे। 2 कप चावल थे, 1 कप छोटा दाल लिया था, तो इस तरह 2.5 कप हो गए चावल, और इस तरह 5 कप पानी के डलने चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे 4 कप पानी के दाल में ऐड करूँगी, और 10 मिनट के लिए कवर करके हाई फ्लेम पे इसे पकाऊँगी, ताकि दाल अच्छे तरीके से गल जाए। दाल को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं चावलों की तरफ। तो चावलों के अंदर मैंने पानी डाल के अच्छे तरीके से इसे नमक डाल के पकने के लिए रखा है, और इसे हमने ज़्यादा बॉयल नहीं करना, बस 3 से 4 मिनट के लिए इसे हमने पकाना है, चावलों को बॉयल करना है। और यहाँ पे हमारे जो है 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें, बस इतना ही पकाना है हमने। ये बिल्कुल भी गले नहीं है, कच्चे ही हैं चावल अभी, लेकिन ये कि इसका जो पानी है वो हम निकाल देंगे, इसे छान लेंगे। चावलों को जो हमने पानी निकाल दिया है, वो चावल इसमें अब हम शामिल करेंगे, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे हम दम लगाएंगे। 15 मिनट के लिए हम इसे दम लगाएंगे। पहले 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे लगाएंगे, और फिर बाद में हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। अगर आप खिचड़ी को इसी तरीके से जैसे मैंने बताया आप बनाएंगे, तो बहुत मज़े की खिचड़ी तैयार होगी। चलें तो चेक करते हैं कि हमारी खिचड़ी कैसी तैयार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त हमारी खिचड़ी तैयार हो चुकी है। चावल देखें बिल्कुल ज़बरदस्त अलग अलग, और दाल और चावल बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये देखें, दाल भी अच्छे तरीके से गल चुकी है, और इसकी वजह यही है कि मैंने अलग से पानी में इसे पका लिया था। अगर इसी तरीके से जैसे मैंने बताया आप खिचड़ी तैयार करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खिचड़ी आपकी तैयार होगी। तो डिश आउट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर और कमेंट्स करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ पूरा देखा करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।